अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के अबाउट और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के अबाउट, बेसिकली ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जिनके ऊपर बायर आता है, जॉब पोस्ट करता है, और यहाँ से जो हम फ्रीलांसर्स हैं उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनके ऊपर प्रपोजल्स भेजते हैं। लेट्स से एक बायर आया, उसने जॉब पोस्ट की, आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर टू डिजाइन अ लोगो फॉर माय कंपनी, राइट। और यहाँ पे फिर हमें वो, अगर जॉब हमारे स्किल सेट से मैच कर रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एज अ फ्रीलांसर, और अपना प्रपोजल राइट अप करेंगे कि हे जॉन, माई सेल्फ एहसान दानिश, आई एम अ लोगो डिजाइनर फ्रॉम लास्ट 7 years एंड आई कैन डिज़ाइन अ लोगो फॉर यू इन जस्ट 50 bucks, सो यू कैन हायर मी। तो अगर उस बायर को हमारा प्रपोजल अच्छा लग जाता है, प्राइसिंग अच्छी लगती है, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, तो वो हमें हायर कर लेगा, राइट। इसी तरह उस जॉब के ऊपर काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और जो भी बायर को अच्छा लगता है वो उसको हायर कर लेता है। ये तो हो गई ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस जो इस तरह से काम करती हैं कि बायर पोस्ट करेगा जॉब और जो फ्रीलांसर है वो उनके ऊपर अप्लाई करेगा, राइट। ये ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस। ऑन द अदर एंड हमारे पास दूसरी तरह की हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस, ऐसी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे जो फ्रीलांसर है वो अपनी सर्विस लगा देगा कि मैं एक लोगो डिज़ाइन करके दूंगा $50 के अंदर। अब बायर जो है, बायर आएगा और डिफरेंट सर्विसेज मार्केट प्लेसेस के अंदर देखेगा, और जो भी उसे सर्विस पसंद आएगी, जिसकी प्राइसिंग और पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा, वो उस बंदे को डायरेक्टली हायर कर लेगा। इसमें फ्रीलांसर को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलें इसी तरह से हम चल के कुछ देखते हैं फ्रीलांसर मार्केट प्लेसेस की एग्जांपल और ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस की एग्जांपल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस की एग्जांपल। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस हमारे पास, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस हमारे पास है फाइवर। यहाँ पे देखें, आई विल मैनेज योर सोशल मीडिया मैनेजर प्लस बोनस। तो यहाँ पे ये एक लड़की है जो कि ऑफर कर रही है एज ए सोशल मीडिया सर्विसेज, और यहाँ पे इसके डिफरेंट पैकेजेस इसने लगाए हुए हैं। अब लेट्स से मैं एक बायर हूँ और मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मुझे ये पसंद आई, इसके पैकेजेस, इसकी प्राइसिंग और इसका पोर्टफोलियो और जो जो चीज़ें ये इस प्राइसिंग के अंदर ऑफर कर रही है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो मैं इसको कॉन्टैक्ट करके हायर कर लूँगा डायरेक्ट, राइट। यहाँ पे मैंने कोई जॉब पोस्ट नहीं की, बल्कि फ्रीलांसर जो हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली अपना गिग लगाया हुआ है, अपनी सर्विस लगाई हुई है, और मैं उनको एक्सप्लोर करके जो भी मुझे पसंद आ रहा है उसको मैं हायर कर लूँगा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है पीपल बराबर, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, कोई भी कैटेगरी पे, हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने जो गिग्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखें कि मैं स्नैपचैट को मैनेज कर सकता हूँ, मैं स्नैपचैट की मार्केटिंग कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है, राइट। ये तो हो गई नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। ऑन द अदर एंड ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में सबसे टॉप पे हमारे पास अपवर्क और सबसे पॉपुलर। लेट्स से यहाँ पे देखें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जॉब पोस्ट की हैं। यहाँ पे देखें 15,000 जॉब्स जो है वो पोस्ट हो चुकी हैं, और हर 2 मिनट के बाद, यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद यहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं, राइट। अब जो भी जॉब मुझे पसंद आएगी और मेरी स्किल सेट के मुताबिक होगी, लेट्स से यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्डप्रेस साइट्स फॉर JKL स्टेटिक साइट, तो यहाँ पे अगर ये मेरे स्किल सेट से मुताबिक ये एक जॉब किसी ने पोस्ट की है और उसको ये बंदा रिक्वायर्ड है, तो मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रपोजल सबमिट करूँगा अभी, क्योंकि मैंने साइन अप नहीं किया हुआ। यहाँ पे प्रपोजल सबमिट करूँगा और इसे कहूँगा, इस बायर को, कि मैंने आपकी जॉब पढ़ी है और मैं ये काम करने के काबिल हूँ, आप मुझे हायर कर सकते हो। तो इसी तरह से freelancer.com है, यहाँ पे भी डिफरेंट लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं और प्राइसिंग बताते हैं। लेट्स से ये बंदा है, आई नीड एन इंजीनियर टू इंस्पेक्ट हिल साइड पायर, तो यहाँ पे देखें इसने बताया कि मैं $30 से $250 तक पे कर सकता हूँ अगर कोई बंदा ये जॉब मेरे लिए कर सकता है। तो ये हो गए ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस। तो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल वाजिया सा डिफरेंस बता दिया कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, और इस कोर्स के अंदर हम एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अबाउट बात करेंगे जो कि है फाइवर, और उसके अबाउट मजीद कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।